आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे एक बहुत ही अलग से हटके एक टॉपिक को, जिसको मतलब कभी इस एंगल से ना कभी किसी ने देखा ना दिखाया। सर, क्या है टॉपिक? आज के सेशन को शुरू करने से पहले, आज के टॉपिक को अनाउंस करने से पहले, मैं कुछ चंद लाइनें आपके सामने बोलना चाहता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं, इन्हें प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अमल करिएगा। माना दुनिया बुरी है, दुनिया में सब जगह धोखा है। माना दुनिया बुरी है, दुनिया में सब जगह धोखा है। अरे हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? सो आज के टॉपिक का नाम है, इफ यू कांट करेक्ट योर सेल्फ देन एटलीस्ट डोंट कमेंट ऑन एनी वन। अगर जिंदगी में आप खुद को ठीक नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरों पर कमेंट्स करने का। जैसे मैं इसको बहुत ही अच्छे लेवल पर इस टॉपिक को आपको समझाऊंगा, और मैं उम्मीद भी करता हूं अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो आप मुझे लाइक जरूर करिएगा। सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कई बार सुना, कई बार आप लोगों ने भी सुना, और ये बात हम सब ने देखी भी, नोटिस भी की है। समटाइम्स सम पीपल से वन थिंग कि जितना दूध आपने शिवजी पर चढ़ाया, अगर उतना दूध आप किसी गरीब को पिला देते तो गरीब कहता भगवान तेरा भला करे। दोस्तों, हमारे देश में दो अलग अलग बातों को जोड़ा जाता है। हम एक चैप्टर पढ़ा करते थे 12th क्लास में, इंटीग्रेशन। हमारे देश में दो अलग अलग बातों को जोड़ा जाता है। उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि अगर पहली बात खराब है तो दूसरी ऑटोमेटिकली खराब लगेगी आपको। मतलब इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि आपको दोनों बातों को कोहेरेंसी की जाती है, ताकि तालमेल बिठाया जाता है, ताकि आपको उनका मैसेज गलत मिले। जैसे कि जितने के आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाए, जितने के आप लोगों ने मंदिर बनाए, इतने के अगर आप लोग हॉस्पिटल बनाते तो देश ज़्यादा तरक्की कर सकता था। मैंने देखा है कि लोग इस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है कुछ बातों को लेकर। चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपने जो भी चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं उन्हीं से रिलेट करता हूँ। आप लोगों ने जितनी स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, और जो स्मार्ट वॉच है आपकी 2500 रुपये की, 3000 रुपये की, 4000 रुपये की, जितने की भी जो भी स्मार्ट वॉच है आपकी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से सुने इसको, मैं कहना चाहता हूँ अगर आप 4000 की स्मार्ट वॉच की जगह 500 रुपये की स्मार्ट वॉच ले आते और 3500 रुपये बचाते, 3500 रुपीज़ बचाते, और वो किसी गरीब को देते, तब भी तो गरीब यही कहता भगवान तेरा भला करे। मतलब देखा जाए तो फिर हम सब गलत हैं। हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो गलत हैं, जो भी हम जो भी कार यूज़ करते हैं सब गलत हो गया। फिर तो हम कहते हैं कि आपने जितने के मंदिर बनाए उतने के हॉस्पिटल बनाते, जितने का शिवजी पर जल चढ़ाया, जो जल चढ़ाया वो जल सर खराब होता है। समटाइम्स कुछ लोगों ने मुझसे बोला भी, सर आप कह रहे हैं शिवजी पर दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, शिवजी पर जो जल चढ़ाया जाता है सर वो नालियों में जाता है और वो खराब ही तो होता है। मतलब आपका जल खराब हो जाता है जब शिवजी पर चढ़ाया जाता है, लेकिन वही जल गंगा जल बन जाता है जब वाटर पार्क में आप 1000 रुपीज़ की टिकट लेके नहाने जाते हैं। वही जल बेस्ट हो जाता है। मतलब वही, तब आप उस वक्त पानी वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप उस वक्त पानी वेस्ट कर रहे हैं जिस वक्त आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। मतलब मैंने देखा लोगों ने अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ ना कुछ मीनिंग निकाले दो चीज़ों को जोड़कर। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुछ चीज़ों की, मैंने अगर सपोज करिए आज 5000 रुपये के जूते पहने हुए हैं, और कोई मुझसे कहने लगे आपने 5000 के जूते पहने, आपने शूज़ पहने, आप 500 के या 600 के शूज़ ले आते और बाकी जो बचता पैसा वो गरीबों को देते, तो पता है गरीब कहता भगवान तेरा भला करे। दोस्तों, हमारे साथ हो क्या रहा है, हम दूसरों पर कमेंट करते जा रहे हैं बट हम खुद प्रॉपर ठीक नहीं है। अभी हमें ये नहीं पता हम कितना गलत कर रहे हैं। इंडिया में कहा जाता है कि तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का रोज केक बेक होता है, केक बेकिंग करते हैं हम, केक बनाया जाता है और कंज्यूम किया जाता है लोगों के जन्मदिन पर, बर्थडे पर। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी ज्ञानी लोगों से कि जो केक जब आप बनाते हैं लोगों के चेहरे पर लगाते हैं, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या उस वक्त आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है?
तब आप गलत नहीं है क्या? अगर 1.5-2 करोड़ का केक डेली हमारे इंडिया में यूज हो रहा है, तो 365 दिन में आप समझ सकते हैं तकरीबन 600 से 700 करोड़ का केक हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे 365 दिन में, एक साल में 600-700 करोड़ में तो कितने सारे मंदिर बनाए जा सकते हैं, कितने सारे हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। अगर मैं लिंक करूं तो फिर सब चीज़ें गलत है कि आपने केक क्यों खाया, ये भी गलत है, केक लगाना गलत है, आप इतने का केक इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इतने के मंदिर बनवाते या हॉस्पिटल बनवाते तो अच्छा होता। तो दोस्तों, दूसरों पर कमेंट करना बहुत आसान है। आज 2 लोग शहीद हुए इस अटैक में, एंड साथ में सलमान खान आज डांस कर रहे हैं अपने जन्मदिन पर। 2 बातों को लिंक कर दिया, इससे हमें फील होगा सलमान खान बहुत गलत है। दोस्तों, हमें अपनी थॉट्स पे ना क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। हम इतनी सारी बातों को मिक्स करके उसका मीनिंग ही कुछ और बना लेते हैं, जिससे हमें ये ही नहीं पता चलता कि हम उन बातों को कैसे समझना चाहते हैं, उन बातों का ट्रू मीनिंग क्या है। हमें उनके हिडन मीनिंग बताए जाते हैं, हिडन मीनिंग में भी जो अनट्रू मीनिंग होते हैं हमें इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हम खुद अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये बात सही है या गलत है। कहना क्या चाहते हैं आप साहब? मैं कहना चाहता हूं कि जो आपको बार बार ये कहा जाता है इतने का, अगर आप ये करते हैं, आप लिंक करते हैं जब, तो आप देखिए कि क्या वो चीजें कंपेरेबल हैं या नहीं है। आप जिन 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या दोनों अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज या अलग अलग सोच की तो नहीं है? और 2 बातों को मिक्स करके किसी एक चीज को गलत तो नहीं ठहराया जा रहा? जैसे कि अगर आप मुझसे ही कहने लगे, मैंने इस वक्त लेदर का एक बेल्ट लगाया हुआ है, कोई मुझसे कहने लगे आपने लेदर का बेल्ट लगाया हुआ है, ये तो किसी की चमड़ी से बनता है, लेकिन मुझे मेरे इंटरव्यू में बताया गया कि मुझे बेल्ट लगाना जरूरी है, अदरवाइज इंटरव्यू में मेरा ड्रेस कोड मैच नहीं होगा, और लेदर का बेल्ट लगाना जरूरी है, लेदर का शूज पहनना जरूरी है, बट मैं अपने पार्ट पे सोचूं तो मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी जानवर की चमड़ी को पहनकर जा रहा हूं। इस दुनिया में फिर सब गलत है। अगर आप गलत ढूंढने जाओगे तो सब गलत है। बहुत अच्छी बात बोली है कबीर जी ने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा आपका तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर आप इतनी कमियां निकालोगे सब में, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ये गलत कर रहा है, तो यकीन मानिए, मुझे इससे एक मूवी का डायलॉग याद आता है, ड्रीम गर्ल का। ड्रीम गर्ल मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग यूज किया गया है कि इस दुनिया में सब गलत है, फिर सही वही है जो कम गलत है। फिर सब कुछ गलत है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये भी गलत है, क्योंकि आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, डाटा यूज कर रहे हैं, और डाटा यूज करना गलत है पक्षियों के लिए। आपने रोबोट 2.0 देखी होगी। देखिए, रियलिस्टिक बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, क्योंकि सच होती हैं थोड़ी कड़वी लगती हैं, बट सच यही है। फिर सब गलत है, फिर तो सब कुछ गलत होता जा रहा है, हम सब कुछ गलत करते जा रहे हैं। इसलिए ना, हमें दूसरों पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही आप भी नहीं है। इसलिए एक बात को याद रखें, इफ यू कांट करेक्ट योर सेल्फ, एटलीस्ट डोंट कमेंट ऑन एनीवन। मैं फिर दोबारा मिलूंगा आपको किसी दूसरे